अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल हम पढ़ रहे थे ज़र की इकसाम, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था धाती ज़र। तो धाती ज़र हमने पढ़ा था कि जो धातों के से बनते हैं सिक्के, और स्टार्ट में तो ये कबल मसीह में तो ये कीमती धातों के बनाए जाते थे, सोना चांदी के, लेकिन बाद में हुक्मरानों ने टैक्स ने कायम कर ली थी और उन सिक्कों पर नक्शनगार डिज़ाइनिंग वगैरह अपना नाम लिखवाते थे। अब जो धाती ज़र था उसमें दो तरह का ज़र था, एक म्यारी ज़र एक अलामती ज़र। म्यारी ज़र वो ज़र होता है जो कि कदरों कीमत में बराबर होता है, ज़ाहरी भी कदर उसकी वही होती है और हकीकी कदर भी उसकी वही होती है। मतलब अगर 100 रुपये का सिक्का है तो उसकी जो धात है वो भी 100 रुपये की ही होती है। अलामती ज़र होता है जो अलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है, कि अलामत है कि ये 100 रुपये का है, एक्चुअल उसमें मटेरियल 100 रुपये का नहीं होता। या आप इसमें जैसे हमारे कागज़ी नोट हैं तो ये भी ऐसे ही हैं, अलामती ज़र में आ जाते हैं कागज़ी नोट, क्योंकि कागज़ी नोट के ऊपर लिखा होता है कि ये 5000 का है और असल में वो 2-3-4 रुपये का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कागज़ी ज़र, दूसरी किस्म है ज़र की कागज़ी ज़र। कागज़ी ज़र हुकूमत या हुकूमत का मरकज़ी बैंक जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है। अगर आप देखें कोई भी 10 का नोट, 20 का, 50, 100, 500, 1000, 5000 का नोट उठा के देखें तो उस पर लिखा होता है कि ये जो नोट है ये मरकज़ी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से जारी किया गया है, और इसको बतौर आला तबादला बग़ैर हीलो हुज्जत के, यानी कि बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी ऑब्जेक्शन के, एतराज़ के कबूल किया जाता है, क्योंकि इसे पाकिस्तान की हमायत हासिल होती है और जो कोई इसे कबूल करने से इनकार करता है वो कानूनन जुर्म करता है। पाकिस्तान में सिक्के हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है और जो कागज़ी नोट हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है। कागज़ी ज़र के इजरा के लिए मरकज़ी बैंक मुतनासब महफूजात का निज़ाम को अपनाते हुए जारी करदा नोटों की कुल मालियत का कम से कम 30% ज़र महफूज मंजूर शुदा ज़र तबादला सोने चांदी की शक्ल में ज़मानत के तौर पर रखना पड़ता है। जब ज़र के इजरा की बारी आती है तो सबसे पहला ये सवाल उठता है कि हमारी मईशत में कितने ज़र की ज़रूरत है। अगर ज़र ज़रूरत से ज़्यादा होगा, मैंने कल आपको बताया था, तो अफरात ज़र का मसला जन्म लेगा। तो लिहाजा मुतनासिब जो ज़र है वो कितना होगा, तो बजाय इसके कि स्टडी किया जाए और वो सारा कुछ किया जाए, तो एक सिंपल सा फार्मूला तमाम ममालिक ने बनाया है और उस पर वो उसको फॉलो करते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 100% को फॉलो करते हैं, और जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे वो 30% को फॉलो करते हैं। यानी कि आप जब भी कोई नोट जारी करने हो तो आपके पास, अगर आपने 100 रुपये का नोट जारी करना है तो इसका मतलब है कि आपके पास कम से कम 30 रुपये का सोना या चांदी मौजूद होना चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ रुपये के नोट जारी करने हैं तो इसका मतलब है 30 लाख का आपके पास कोई कीमती धात वगैरह मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास इतनी धात वगैरह मौजूद हो तो हमारे पास उसी हिसाब से ज़र होगा। अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, अमेरिका है, कैनेडा है, इंग्लैंड है, ये तमाम ममालिक 100% रखते हैं कि अगर उन्होंने $100 या 100 पाउंड अपने इशू करने हैं, जारी करने हैं, तो उनके पीछे उनके पास 100 पाउंड का, $100 का कीमती जो ज़खीरा है वो मौजूद होना चाहिए। और जारी करदा कुल नोटों की बाकी मालियत को मुल्की असासों को रहन रख कर छापे जाते हैं, यानी कि वो रहन रख कर, जैसे हम कहते हैं कि कर्ज़ जब हम लेते हैं तो कोई चीज़ किसी के पास रख देते हैं, तो वो यही होता है कि पहले 100% का कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम तरक्की पज़ीर ममालिक इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 30% वो अपने पास रखते हैं और बाकी कहते हैं कि हमारे जो मुल्की असासे हैं, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो जितनी भी हुकूमत के असासे हैं वो हम गिरवी रख देते हैं। कागज़ी ज़र दो तरह का होता है, एक बदल पज़ीर कागज़ी ज़र और दूसरा गैर बदल पज़ीर कागज़ी ज़र। नाम से ज़ाहिर है कि वो कागज़ी ज़र जिसे हुकूमत या मरकज़ी बैंक मुतालबे की सूरत में सोने चांदी या मंजूर शुदा तबादला की शक्ल में बदलने का पाबंद होता है। यानी कि अगर आप हुकूमत के पास लेके जाते हैं कि ये 5000 का नोट है तो इसको आप चांदी या सोने की शक्ल में तब्दील कर दें, तो हुकूमत पाबंद होती है उसको
तब्दील करने के लिए। गैर बदल पजीर कागजी ज़र वो होते हैं, ऐसे कागजी नोट हैं जिन्हें हुकूमत या मरकजी बैंक तो जारी करता है, लेकिन इनके एवज़ मुतालबा करने पर इनको सोने चांदी या मंजूर शुदा ज़र तबादला देने की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। हमारे यहाँ जो ज़र गर्दिश कर रहा है वो गैर बदल पजीर कागजी ज़र है। याद रहे, हुकूमत ऐसे नोटों को जारी करते वक्त उनकी पुश्त पर सोना चांदी या ज़र तबादला बहसीयत ज़र महफूज नहीं रखती, लेकिन एशिया के लेन देन में सब लोग इसे कबूल करने के पाबंद होते हैं, इसलिए गैर बदल पजीर ज़र को कानूनी ज़र या लीगल टेंडर भी कहते हैं। माजी में पाकिस्तान में एक रुपया का कागजी नोट गैर बदल पजीर कागजी ज़र था, क्योंकि हुकूमत इसकी पुश्त पर कोई ज़र महफूज नहीं रखती थी, लेकिन लोग उसको अशिया व खिदमात की ख़रीदारी में इस्तेमाल करने के पाबंद होते थे। अब पाकिस्तान ने 1, 2, 5 रुपये के नोट ख़त्म करके सिक्के जारी कर दिए, चुनाचे मुतालबे पर हुकूमत के जारी करदा रुपयों के एवज़ तो बदला जा सकता है, लेकिन उनको सोना चांदी मंजूर शुदा ज़र की शक्ल में तब्दील नहीं किया जा सकता। इस वक्त बशमूल पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक में गैर बदल पजीर कागजी ज़र का निज़ाम राइज है। तीसरा हमारे पास आ गया कानूनी ज़र। कानूनी ज़र ऐसा ज़र होता है जिसे कर्ज़ों की अदायगी, कीमतों को अदा करने और आम लेन देन में हुकूमत की तरफ से कानूनन कबूल करना पड़ता है, और उसको कबूल ना करना जुर्म तसव्वुर किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में राइज तमाम सिक्के और करेंसी नोट कानूनी ज़र कहलाते हैं, जिन्हें कानूनी तौर पर कबूल करने की दर्ज ज़ैल वजूहात होती हैं। हुकूमती पुश्त पनाही के बाइस कानूनी ज़र बतौर आला तबादला इस्तेमाल होता है, और कोई शख्स इसे अशिया के लेन देन के मामले में इनकार नहीं कर सकता। हुकूमत की पुश्त पनाही होती है, अगर कोई पर्सन इनकार करता है तो फिर उसकी जो अमाउंट उसने लेनी होती है वो अमाउंट जब्त कर ली जाती है। अगर कोई कहता है कि मैं इस 1000 को नहीं मानता, अगर वो बिल्कुल ठीक है, तकाजे उसके पूरे हो रहे हैं, असल है, ओरिजिनल है, फटा हुआ नहीं है, तो कोई भी उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। उधार लेन देन के मामले में अगर कर्ज़ ख्वाह मकरूज़ की अदा करदा कानूनी ज़र की अदायगी को कबूल ना करे तो कर्ज़ ख्वाह ना सिर्फ वाजिबुल अदा सूद बल्कि असल रकम से भी हाथ धो बैठता है। यानी कि उधार अगर किसी ने लिया है तो वो जो कर्ज़ लेने वाला है, अगर वो ये कहे कि मैं इसको नहीं लेता, तो फिर अगर वो सूद ले रहा है उस समेत असल रकम से भी हाथ धो बैठेगा, अगर वो इसका जो ज़र है उसको आला तबादला मानने से इनकार करता है। थर्ड है, हुकूमत अपने फ़राइज़ को सरंजाम देने के लिए इसी कानूनी ज़र को वाजबात की वसूली और अखराजात की अदायगी में इस्तेमाल करती है। कानूनी ज़र को हुक्मी ज़र भी कहते हैं, यानी कि फ्याट मनी भी कहते हैं, क्योंकि हुकूमत ने इसको आम लेन देन में कबूल करने का ऐलान किया होता है, इसलिए मुल्क में राइज कानून की रूह से इसे कबूल करना पड़ता है। और चूँकि ज़र को कबूल ना करना जुर्म तसव्वुर किया जाता है, इसलिए ये कानूनी ज़र बाज़ात मुश्किलात का बाइस बनता है, जैसे कि छोटे सिक्कों की सूरत में एक बड़ी रकम की अदायगी वसूल कुनिंदा के लिए मुसीबत का बाइस बन सकती है। ऐसे में इनकार जुर्म तसव्वुर होगा। इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने कानूनी ज़र को 2 अकसाम में बांट दिया है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए देने हैं और वो 1-1 रुपए के सिक्के ले आए तो किस कदर मुश्किल में पड़ जाएगा वो। तो लिहाजा इसको मुश्किल को हल करने के लिए हुकूमत ने कानूनी ज़र को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, महदूद कानूनी ज़र और गैर महदूद कानूनी ज़र। पहला है महदूद कानूनी ज़र। अशिया खिदमात के लेन देन के मामले में ऐसे ज़र को एक ख़ास मालियत की हद तक ही कानूनन कबूल किया जाता है, लेकिन अगर इस ज़र की अदायगी अपनी हद से तजावुज़ कर जाए तो रकम का वसूल करिंदा इसे कबूल करने से इनकार कर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर असलम ने अक्रम को 5000 रुपये देने हों, अब अगर असलम अक्रम को 5000 की मालियत के बराबर छोटे सिक्के अदा करता है तो अक्रम को कानूनी तौर पर हक हासिल है कि वो बवजह जहमत शुमार करने से इस रकम को लेने के लिए इनकार कर दे, इसलिए छोटे सिक्के एक मुकर्रर हद तक ही किसी अदायगी में दिए जा सकते हैं। यानी कि छोटे जो सिक्के हैं वो एक हद तक दिए जा सकते हैं। अगर 5000 रुपये का जो है वो छोटे छोटे सिक्के 1-2 रुपये के दो दें और वो लेने से इनकार करे तब वो इनकार कर सकता है, अदरवाइज़ वो इनकार नहीं कर सकता। गैर महदूद कानूनी ज़र है जिसकी अदायगी में शौ खिदमात की खरीद व फरोख्त के दौरान किसी किस्म के मुकर्रहत की पाबंदी नहीं, यानी इस ज़र की सूरत में कितनी ही बड़ी रकम की अदायगी वसूल करिंदा को बिला हिलो हिज्जत कबूल करना पड़ती है।
और पाकिस्तान में गैर महदूद कानूनी ज़र के ज़ुमले में 5 रुपये के सिक्के से लेकर 5,000 रुपये के करेंसी नोट होते हैं। लेन देन के मामले में गैर महदूद कानूनी ज़र को कबूल ना करना जुर्म होता है और वसूल करिंदा के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। लिहाजा शव खिदमात के लेन देन या दीगर कीमती सरगर्मियों की अदायगी के लिए गैर महदूद कानूनी ज़र को बिला खौफ व ख़तर अदा किया जाता है और वसूल भी किया जाता है। यानी कि 5 रुपये से कम जो सिक्के हैं वो आप बड़ी अमाउंट लेने से इनकार कर सकती हैं, लेकिन 5 रुपये से ऑनवर्ड जितने भी सिक्के हैं वो बड़ी अमाउंट में लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कानूनी ज़र सिंपल सी चीज़ है, ऐसा ज़र होता है जिसको हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल होती है और उसको लेने से इनकार नहीं किया जा सकता, और जो इनकार करता है वो जुर्म तसव्वुर किया जाता है, और अगर कोई इनकार करता है तो उसने जो रकम लेनी होती है वो भी जब्त कर ली जाती है। कानूनी ज़र की दो आगे किस्में हैं, महदूद कानूनी ज़र और गैर महदूद कानूनी ज़र। महदूद कानूनी ज़र ऐसा होता है कि अगर आपने जो 5 रुपये से कम जो सिक्के हैं वो लेने से एक ज़्यादा अमाउंट में लेने से इनकार कर सकते हैं कि गिनने की जहमत हो सकती है, और गैर महदूद कानूनी ज़र है कि 5 रुपये से लेकर जितने भी ऑनवर्ड नोट हैं 5,000 तक वो आप लेने से इनकार नहीं कर सकते, अगर आप इनकार करेंगे तो कानूनन जुर्म करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है एतबारी ज़र। एतबारी ज़र आगे चौथी किस्म है जो कि ज़र की जदीद किस्म है, जदीद किस्मों में से एक किस्म है। एतबारी ज़र कर्ज़दार के दरमियान एतबार या भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है। ये ज़र बैंकों के जारी करदा चेक, ड्राफ्ट, हुंडियाँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा एतबारी ज़र महज एतबार की बुनियाद पर गर्दिश करता है। यानी कि अगर आपने किसी से चेक लिया है तो आपने एतबार किया है ना उस पर, वो बोगस चेक भी हो सकता है, आल्दो आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने के हकदार हैं, लेकिन ये है कि ये भरोसे और एतबार की बुनियाद पर ही होता है। बैंकों के जारी करदा चेक, वो तो आपको सिंपल सी बात पता है कि चेक क्या होते हैं। ड्राफ्ट ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने अपनी जो अमाउंट है अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं तो उसका एक आसान तरीका ड्राफ्ट होता है कि आप पैसे बैंक में जमा करवाएं और वहां से उनसे ड्राफ्ट बनवाने कि हमने इतने पैसे लिए हैं और फलां सिटी से जाके हम इसको कैश करवाएंगे, तो वो आपको एक पेपर पे ये सारी डिटेल लिख देते हैं, ड्राफ्ट बना देते हैं, आप उस सिटी में जाते हैं वहाँ से उनकी जो ब्रांच होती है उसी बैंक की वहाँ से आप जाके वसूल कर लेते हैं। हुंडियाँ होती हैं कि जब दो कारोबारी लोग कानूनी दस्तावेज़ात के थ्रू काम करते हैं यानी कि माल ख़रीदते हैं, तो जो ख़रीदने वाला होता है वो बेचने वाले को कहता है कि मैं आपको 1 माह 2 माह 6 माह साल तक पैसे दूंगा, तो उसकी सारी डिटेल जो है वो जिसे हम आम जबान में स्टाम्प पेपर कहते हैं वगैरह पर लिख दी जाती है कि बेचने वाले का नाम ये है, ख़रीदने वाले का नाम ये है, चीज़ जो बेची जा रही है वो ये है और इसकी अमाउंट इतनी है, टोटल अमाउंट इतनी है, इस तारीख को ख़रीदी है, इस तारीख को पेमेंट होगी, वो सारी डिटेल मौजूद होती है, तो उसको हुंडी कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड भी आपको पता है क्या होते हैं। लिहाजा एतबारी ज़र महज एतबार की बुनियाद पर गर्दिश करते हैं। कानूनी तौर पर कोई भी शख्स एतबारी ज़र को लेने से इनकार कर सकता है अगर वसूल करिंदा के एतबारी ज़र देने वाले पर भरोसा ना हो, चूँकि वसूल करिंदा का एतबारी ज़र यानी चेक, ड्राफ्ट वगैरह की सूरत में रकम वसूल करने या ना करने का पूरे इख्तियार होते हैं, इसलिए एतबारी ज़र को इख्तियारी ज़र भी कहते हैं। यानी कि आप उसको, आपको इख्तियार है आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और आजकल किसी मुल्क की ज़र की रसद का बेशतर हिस्सा एतबारी ज़र पर मुश्तमिल होता है और बड़ी मकदार में करेंसी नोटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल होता है, लिहाजा एतबारी ज़र जो है वो एक अदायगी का मौसर तरीका होता है। तो आज इतना ही, 4 के पॉइंट्स हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। थोड़ा थोड़ा मैं इसीलिए करवा रही हूँ, ये थोड़े आपकी थेरी है तो थेरी को ज़रा समझना और याद रखना, मेरा ख्याल है कि डायग्राम्स वगैरह से निस्बतन थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और इंशाल्लाह ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, हमें दोबारा बता दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।